आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम है, मेरा आपका हम सब का एक ख़ास मौजू कि यहाँ पर आपको बहुत से लोग मिलते हैं जो धोखाधड़ी में माहिर होते हैं, धोखा देने में उनका कोई सानी नहीं होता, आपके साथ चल रहे होते हैं, आप ही के दोस्त होते हैं, आप ही के परस्तार होते हैं, आप ही के चाहने वाले होते हैं, लेकिन आप ही के खिलाफ खड़े होते हैं, आप ही के साथ बैठ के खाते हैं, आप ही के साथ जो है वो आपकी हर बात पर हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, लेकिन अंदर से आपसे खाइफ होते हैं, यानी खफा होते हैं और चाहते हैं कि आप कभी तरक्की ना कर पाए। ये वो लोग होते हैं जो धोखाधड़ी में माहिर होते हैं। अच्छा, ये धोखाधड़ी किस तरीके से होती है और धोखा किस तरीके से दिया जाता है और आप इन लोगों का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, आज की वीडियो में आपको ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? जिन लोगों के साथ आप दोस्ती करते हैं, याद रखें कि दोस्ती हमेशा ख़ानदानी इंसान के साथ करें, जिसका एक ख़ानदान हो, रखरखाव हो, जो तमीज़ और अदब और लिहाज को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देता हो, ऐसे शख्स को आप अपनी जो लाइफ है उसमें दोस्त रख सकते हैं। क्योंकि ख़ानदान जो है ना, वो नस्लों का तारुफ आपकी ज़ुबान से होता है। आपका वो दोस्त जिससे आप अपनी ज़िंदगी या अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, उसका ख़ानदानी होना और उसके अल्फाज का बेहतरीन होना, यानी उसकी ज़ुबान का अच्छा होना बहुत काउंट करता है। तो आपने इस चीज़ पर जो है वो फोकस करना है। दूसरे जो है वो धोखाधड़ी के हज़ार तरीके हैं, आपको किसी भी तरीके से धोखा दिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ का आप जो ख्याल रख रहे हैं वो ये कि आपका जो दोस्त है वो ख़ानदानी हो, ताकि वो आपको कभी धोखा ना दे पाए। दूसरी ख़ास बात ये कि सच बोलने वाले इंसान के साथ दोस्ती करें, जिसको झूठ बोलने की आदत ना हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा, तो इस वक्त में भी दुनिया में चाहे 2% ही लोग मौजूद हैं, लेकिन मौजूद हैं जो लोग सच बोलते हैं, हक बोलते हैं और हक पे कायम रहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के अपनी लाइफ में शामिल करें ताकि आपको धोखे के चांसेस कम हो। तीसरी ख़ास और अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि धोखा आपकी ज़िंदगी में ना हो। आपने कोशिश करनी है कि ऐसा दोस्त बनाएं, ऐसे बंदे को साथ लेके चलें जो लालची ना हो, जिसे किसी किस्म का भी लालच ना हो, ना शोहरत का, ना दौलत का, ना आपसे किसी चीज़ के लेन देन का, कोई ऐसे मामला जो है वो ना रखता हो। ये तीन तरह की खूबियां अगर किसी शख्स में मौजूद हैं तो आप उसे अपना दोस्त बना सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में धोखाधड़ी के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, बल्कि ख़त्म ही हो जाएंगे। ऐसा दोस्त जो है वो कभी आपको धोखा नहीं देता। आप यकीन करें कि मौला अली फरमाते हैं कि मोहब्बत और हमदर्दी में जो धोखा दिया जाता है, इससे घटिया तरीका धोखा देने का कोई नहीं है दुनिया में। तो आप सूरत हाल ये देखिए कि आज जो है वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो ये लोग आपके साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स बनाते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, आपके साथ मोहब्बत और प्यार का रिश्ता बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको धोखा देने के लिए आपकी लाइफ में एंट्रेंस मारते हैं, यानी आपकी लाइफ में एंटर होते हैं आपको धोखा देने के लिए। इनसे मोहतात रहें और ख़बरदार रहें, क्योंकि जो शख्स भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको ना उसके ख़ानदान का पता है, ना उसकी आदात का पता है। देखें, ज़िंदगी में कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको धोखा देने में बड़ी महारत रखते हों, क्योंकि आजकल जितने भी लोग आप जिनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ मामलात होते हैं, हालात ज़िंदगी आप जो है वो देखते हैं, ये वो लोग हैं जो धोखाधड़ी में माहिर होते हैं। तो धोखा मत खाइए। धोखा खाने से पहले अपने दोस्तों का तायुन जो है वो उन तीन बातों पे करें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, स्टार्टिंग में बताई हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि घटिया तरीन तरीका मोहब्बत और हमदर्दी के साथ किसी को धोखा देना है। जब आप मोहब्बत करके, हमदर्दी करके किसी के करीब आते हैं, किसी को ये यकीन दिलाते हैं कि आप उसकी सारी ज़िंदगी हैं या आप उसे सारी ज़िंदगी खुश रखेंगे, और आप उसे धोखा दे रहे होते हैं, तो यकीन जाने वो फरिश्ते ये गुनाह लिख रहे होते हैं, जिनकी ये ड्यूटी है, जो करामन कातबीन है, जो आपके राइट और लेफ्ट पर बैठे हैं। दुनिया में आज रिवाज हो गया है कि मोहब्बत और हमदर्दी का बहाना करके लोगों के करीब जाके उन्हें धोखा देना, उनके साथ जो है उस नफ़रत का इजहार करना जो लोग अपने अंदर छुपा के आपके करीब आते हैं, आपसे किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा लेने के लिए, आपसे किसी भी किस्म का कोई भी लालच होता है उनका जुड़ा हुआ, जो वो आपके ज़रिए पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए इंसान धोखा देते हैं। इंसान धोखा क्यों खाते हैं? कभी आपने सोचा है कि इंसान धोखा क्यों खाते हैं? इंसान धोखा इसलिए खाता है कि इंसान के जहन में भी किसी ना किसी चीज़ का लालच पड़ जाता है। किसी की पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो जाते हैं आप, किसी की दौलत से इंस्पायर हो जाते हैं, किसी के अच्छे बोलने से इंस्पायर हो जाते हैं, किसी की अच्छी जो है वो
आदत से इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिन चीज़ों से इंस्पिरेशन रख रहे हैं वो चीज़ें उस शख्स में उसी मिकदार में हो जो एक इंसान में जिसकी मिकदार जिसकी क्वांटिटी जो है वो ज़रूरी होती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ का तय्युन नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या वाकई ये क्वांटिटी ये मिकदार या ये स्केल जो आपकी दोस्ती की रिक्वायरमेंट है क्या दूसरे शख्स में इसकी मिकदार उतनी ही मौजूद है या नहीं। देखिए हर जगह पर कहीं मोहब्बत की ज्यादती होती है, कहीं मोहब्बत की कमी होती है, कहीं धोखे की ज्यादती होती है, कहीं धोखा बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, लेकिन मासूम लोग मजबूर लोग और सच बोलने वाले लोग किसी को धोखा नहीं देते। याद रखिएगा जिस इंसान का दिल टूटा हो ना वो तकलीफ़ और अजियत से गुजरा हो वो कोशिश करेगा कि दूसरे बंदे को स्पेस दे, दूसरे बंदे को जगह दे अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं और आपको ये बात समझनी है, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ऐड ऑन करनी है कि आपने धोखा नहीं खाना। मैं आज आपको चंद पॉइंट्स मज़ीद बता देती हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि धोखा देने वाला इंसान कैसा होता है और कैसा हो सकता है, तो वो मैं आज आपको बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी शख्स में ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं, तो ख़बरदार हो जाएं वो आपको धोखा दे रहा है। सबसे पहली बात, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा आपको वक्त दे रहा है, बिला वजह आपकी तारीफ़ें कर रहा है, आपकी बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो थोड़ी देर रुक के सोचे ज़रूर कि ये इतना वक्त इतनी बातें इतनी तारीफ़ें आपकी क्यों कर रहा है, इसे आपसे क्या चाहिए, उसका कोई ना कोई लालच आपके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी ख़ास और अहम बात, अगर आपके साथ चलने वाला आपका दोस्त या आपकी मोहब्बत आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि उससे ज़्यादा दुनिया में आपका कोई चाहने वाला नहीं है, कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है, और वो जो आपके साथ एफ़र्ट्स कर रहा है यानी जितनी वो एफ़र्ट्स आपके लिए कर रहा है वो सारी वो आपको अगर काउंट करवा रहा है गिनवा रहा है, तो समझ लें कि कहीं ना कहीं कोई मसला जो है वो उसके माइंड में चल रहा है या आगे जाके बंदा आपको धोखा देगा। तीसरी खास बात, कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा वक्त मिलेगा, कभी कभार आपको कम वक्त मिलेगा, और जिस वक्त कम वक्त मिलेगा उस वक्त कोई ना कोई बहाना आपको जो है वो सुनाया जाएगा। अगर बहाने ज़िंदगी में बढ़ने शुरू हो जाएं, आपके साथ चलने वाले दोस्त या आपका आपकी मोहब्बत आपके साथ बहानेबाजी पर आ जाए, यानी आपको जो है वो सही जवाब ना मिले या आपको सही तरीके से जो है वो बताया ना जाए, तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है, यहाँ समथिंग रॉन्ग है और ये आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, यहाँ धोखा देने के चांसेस 100% मौजूद है। अगर कोई शख्स आपके साथ चल रहा है और उसमें ये सिम्टम्स मौजूद हैं और वो बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे आपकी तारीफ़ें भी करता है, आपको कभी बहुत वक्त देता है, आपको कभी बिल्कुल वक्त नहीं देता, कभी आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी हो जाती है कि आपको आसमान पे बिठा दिया जाता है, कभी आपको बिल्कुल ही ज़मीन पे गिरा दिया जाता है, इस तरह के जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ हैं, जो खुदगर्ज़ किस्म के लोग आपके साथ चल रहे हैं, ये बेसिकली आपको और ख़ुद को धोखा दे रहे होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये छोड़कर आपको भाग जाते हैं और फिर इंसान जो है वो इनकी मोहब्बत में पागल होकर रोना शुरू कर देता है, तकलीफ़ और अजियत में आ जाता है, और ये लोग उस वक्त आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, आपको जलील कर रहे होते हैं, तकब्बुर और अना के उस लेवल पर पहुँचे होते हैं जहाँ इन्हें किसी के साथ धोखादेही की बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा होता कि ये धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से खबरदार रहें। आज मैंने जो आपको सेशन दिया है धोखादेही के हवाले से, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जिसको आपने अपने साथ रखना है और कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको ज़िंदगी में नहीं रखना, और आज के सेशन में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर कोई शख्स आपके साथ चल रहा है तो आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि धोखा देने वाला शख्स जो है वो कैसा होता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या जो है वो उसके अंदर इंडिकेशंस जो है वो इंडिकेट कर रही होती हैं। तो अगर आपने इन लोगों को पहचान लिया तो आप यकीन करें आप कामयाब तरीन शख्स हैं। आपको धोखा देना लोगों के लिए फिर इतना आसान नहीं रहेगा, और ज़िंदगी में जैसे मौला अली ने फरमाया कि सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी के साथ किसी को धोखा देना है, तो खुदा के लिए इस धोखे से परहेज़ कीजिए। इंसान को इंसान रहना चाहिए, हमें ह्यूमिनिटी पे काम करना चाहिए, ना कि हमें किसी भी किस्म के क्रिटिक्स पे काम करना चाहिए। इसी के साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।